हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सीरम। सीरम मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी स्किन की निचली सतह तक जाके काम करता है। जिनको भी एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, रिंकल, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है, ये उसको सॉल्व करता है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करता है। आप इसका यूज़ नाइट क्रीम में 2 से 3 ड्रॉप मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी फेस पैक बनाते हैं तो उस फेस पैक में भी इसकी 3-4 बूंदें डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आप इसको एज अ मेकअप प्राइमर भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करूँगी आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपकी स्किन को नरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई होता है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि आपकी सीरम की लाइफ को बढ़ाते हैं। और आलमंड ऑयल आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। मैंने इसको 2 टेबल स्पून ले लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज ऑयल। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे घर पे ही बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑरेंज ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प करता है। जिनको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम होती है, अनइवन स्किन टोन को प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, उसको ये दूर करता है। इसको भी मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी विटामिन ए पाया जाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो सन रेज से हमारी डैमेज स्किन को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसको भी हमको 2 टेबल स्पून यूज़ करना है। इसके बाद यूज़ करूँगी मैं विटामिन ई की कैप्सूल। मैंने इवियन की विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ की है। मैं यहाँ पे एक ही कैप्सूल ले रही हूँ, आप अगर चाहें तो 2 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई हमारी स्किन की कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारे चेहरे पर रिंकल नहीं आते हैं। अब मैंने सारा ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर मैं यूज़ करूँगी केसर। केसर स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि पिंपल को आने से रोकती है और कोई भी स्किन डिसीज़ को होने से भी रोकती है। केसर से टैनिंग रिमूव होती है, और ये आपकी स्किन को लाइटन अप करने में भी हेल्प करती है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही यूथफुल नज़र आती है। फिर मैं यूज़ करूँगी 24K गोल्ड लीफ, जिसको हिंदी में सोने का वरक भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट होते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, और आपके चेहरे पे गोल्डन ग्लो भी देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पूरा हाथ से उठा के ऑयल में मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज ये आपके हाथ में चिपक जाएगा। बहुत हल्के हाथों से इसको उठा के अपने ऑयल में मिक्स करना है। मिक्सिंग करते वक्त आपको स्पून का ही यूज़ करना है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और अब हमारा सीरम तैयार है। अब मैं इसको एक ग्लास बॉटल में स्टोर करूँगी। आपको भी इसको ग्लास बॉटल में ही स्टोर करना है। जो सीरम होता है उसको ग्लास बॉटल में स्टोर करने का रीज़न ये होता है कि इसमें बैक्टीरिया और जर्म्स नहीं लग पाते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सनरेज से आपको दूर रखना है। तो इसको मैं अब अपने हाथों पे लगा के दिखाऊंगी। आप देख रहे होंगे कि मेरा सीरम कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जितना खूबसूरत दिख रहा है, इतना अच्छा ये आपके चेहरे पर भी परफॉर्म करता है। मार्केट में सीरम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं घर पर ही बनाऊँ। तो हर कोई इसको ईज़िली घर पर ही बना सकता है। बस 2 से 3 ड्रॉप ही बहुत होते हैं। इस तरीके से आपको 2 से 3 ड्रॉप लेके और अपने पूरे फेस पे, नेक पे आप इसको लगा सकते हैं।
अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके वहाँ से मुझे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।